नमस्कार। तो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे दंगे हुए, फिर चाहे आप राजस्थान की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, वेस्ट बंगाल की बात कर लो, गुजरात की बात कर लो, झारखंड की बात कर लो, या फिर अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की बात कर लो, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर ही सिर्फ दंगे हुए हैं। हमारे देश के बाहर दूसरे कंट्रीज में भी दंगे हुए हैं, जैसे कि स्वीडन में भी दंगे हुए। लेकिन ये जो दंगे हुए हैं वो क्यों हुए हैं और इन दंगों के पीछे कौन लोग शामिल है, चलिए हम लोग आज इसी के बारे में जानेंगे और डेटा और फैक्ट्स के बुनियाद पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दंगे हुए हैं उसका ओरिजिन क्या था और क्या ऐसे दंगे फ्यूचर में भी हो सकते हैं। स्वीडन जो कि टॉप 10 कंट्रीज में आता है जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ते नहीं हैं, वहाँ के लोगों को रिलीजियस फ्रीडम है और वहाँ पे दंगे नहीं होते। बट पिछले 2-3 सालों में स्वीडन के अंदर 2 बार दंगे हो चुके हैं। दरअसल हुआ ये कि स्वीडन के एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने हाल ही में कुरान की कॉपी को पब्लिकली जला दिया और इसी के बाद वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने दंगे शुरू कर दिए। रोड पे जाके उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और उसके बाद हर तरफ आगजनी हुई, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, सड़कों पर जितने कार दिखाई दे रहे थे उन सब के ऊपर उन्होंने पथराव किया, उनको जलाने की कोशिश की, टायर्स उठा उठा के ले जा रहे थे और हर तरफ उसे जला रहे थे। और जब स्वीडन की पुलिस आती है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए तो उनके ऊपर भी पथराव किया जाता है। अभी स्टोन पेल्टिंग की हिस्ट्री है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वीडन में होता है, ये चीज़ें तो हमने इंडिया में भी देखी है। तो अगर डेटा और फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूँ तो मुस्लिम जिस कंट्री में भी होते हैं वहाँ पे वो लोग स्टोन पेल्टिंग करते हैं। स्टोन पेल्टिंग करके वो लोगों का जीना हराम कर देते हैं, वहाँ की जो पुलिस होती है उनका भी जीना हराम कर देती है। स्वीडन में जिन पुलिस वालों को डिप्लॉय किया गया था इन सभी राइड्स को रोकने के लिए, वो जो पुलिस वाले थे वो भी पत्थर के डर से नहीं जा रहे। उनका ये कहना था कि हमारे ऊपर पथराव होता है और हमारी जान जा सकती है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। और जैसे ही पुलिस वाले उन सभी एरिया से वापस आए वैसे ये जो दंगे थे वो और भी ज़्यादा भड़क गए और भी ज़्यादा उग्र रूप ले लिया। अब ये जो दंगे हुए थे इसका एक्चुअल रीज़न आपको नहीं पता होगा और इसका एक्चुअल रीज़न मीडिया के बहुत सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं उन्होंने भी नहीं बताया होगा, ना वो कभी बताएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो दंगे हुए इसके जिम्मेवार खुद स्वीडन की सरकार है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आने वाले 2-3 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें टाइम मशीन में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब सीरिया और इराक में बॉम्बिंग चल रही थी तो सीरिया इराक से जितने भी मुस्लिम रेफ्यूजीज थे वो लोग स्वीडन की तरफ निकल पड़ते हैं और स्वीडन की जो गवर्नमेंट होती है वो भी इनका स्वागत करती है। स्वीडन की गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि हम लोग सीरिया और इराक से जितने भी मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं उनको अपने अंदर शरणार्थी बनाएंगे, अपने देश में उनको जगह देंगे, उनको खाना देंगे, पानी देंगे, जॉब्स देंगे। तो इस कारण से जो सीरिया और इराक के मुस्लिम्स होते हैं, जो रेफ्यूजीज होते हैं, वो वहाँ से स्वीडन शिफ्ट कर जाते हैं और बहुत बड़े तादाद में आते हैं। अब जैसे ही ये जो रिफ्यूजीज होते हैं वो स्वीडन में घुसते हैं, उसके बाद साल दर साल धीरे धीरे करके वहाँ का जो क्राइम रेट होता है वो बढ़ने लगता है। जहाँ पे स्वीडन टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आता था, जहाँ पे स्वीडन के अंदर क्राइम रेट बहुत ही कम था, वहाँ पे क्राइम बढ़ने लगते हैं, बलात्कार होने लगता है, लोगों की हत्या होने लगती है। और फिर एक रिसर्च किया जाता है, वहाँ के जो लोकल रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं जिसमें पता लगता है कि जितने भी ज़्यादा क्राइम किए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जो कि रेफ्यूजीज के तौर पे बाहर से आए थे, यानी कि वही मुस्लिम जो सीरिया और इराक से कुछ साल पहले स्वीडन में आए थे। जब ये रिसर्च पब्लिश किया जाता है तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं इस रिसर्च को दबा देते हैं, ये कह के कि ये जो रिसर्च है इसके कारण जो हमारा कंट्री है इसके अंदर कॉम्युनल वायलेंस हो सकता है। अभी जो क्राइम रेट को ढका गया यही स्वीडन की सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, उन लोगों ने क्राइम रेट को ही ढक दिया। स्वीडन की गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि बाहर से जो रिफ्यूजीज मुस्लिम्स स्वीडन में आ रहे हैं वो लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो लोग वायलेंस बढ़ा रहे हैं, वो लोग बलात्कार कर रहे हैं, वो लोग हत्याएं कर रहे हैं। अब इसके बाद स्वीडन की जो गवर्नमेंट होती है वो फिर से अनाउंस करती है कि हम लोग और भी मुस्लिम्स को अपने कंट्रीज में लाएंगे, उनको जगह देंगे, उनको खाने पीने के लिए देंगे, उनको जॉब्स देंगे। तो इसके बाद जो मुस्लिम्स होते हैं वो और भी ज़्यादा तादाद में स्वीडन में घुसने लगते हैं और इसी से तंग आकर जो अपोजिशन के पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग अब इन रिफ्यूजीज को अपने कंट्री में नहीं ला सकते हैं, हमारा कंट्री इसको झेल नहीं पाएगा, ऑलरेडी जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और यही जो मुस्लिम रिफ्यूजीज होते हैं इनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए 2020 में कुरान की एक कॉपी को जला देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर किसी रिलीजियस बुक को जलाता है तो वो किसी भी हिसाब से सही नहीं है। जो कुरान की कॉपी को 2020 में जलाया गया इसी के बाद दंगे शुरू होते हैं। फिर किसी तरह जो स्वीडन की सरकार होती है वो इस चीज़ को कंट्रोल करती है, सिचुएशन कंट्रोल में आता है और फिर वो लोग अनाउंस करते हैं कि अब हम लोग रेफ्यूजीज को अपने कंट्री में नहीं ले सकते हैं। और अब समय आता है 2022 यानी कि ये साल में फिर से जो अपोजिशन वाले होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और फिर से कुरान की जो कॉपी होती है उसको जलाते हैं और इसी के बाद जो पूरा दंगा होता है वो भड़कता है। अब अगर इस पूरे सिचुएशन को ध्यान से देखा जाए तो सीरिया और इराक से जो रिफ्यूजी स्वीडन में आए थे अगर वो लोग स्वीडन में नहीं आते तो क्राइम रेट नहीं बढ़ता तो वहाँ के जो अपोजिशन वाले लीडर्स होते हैं वो ये सब काम नहीं करते, ना वो ये सब काम करते हैं, ना दंगे होते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है जो कि डेटा के बेसिस पे ग्रोथ रेट दिखाता है,
और इस ग्रोथ रेट में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो ईयर बाय ईयर घटते और बढ़ती जा रही है। इनके वीडियो का जो स्क्रीनशॉट होता है वो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखना किस तरीके से ईयर बाय ईयर इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है मुस्लिम्स का वो बढ़ता जा रहा है, और वहीं पर जो क्रिश्चियंस का ग्रोथ है वो कमता जा रहा है, और बाकी के जो और रिलीजन है उनकी भी ग्रोथ कमती जा रही है। और इसी डेटा के बेसिस पर ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले 50-60 सालों में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी। तो मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन होता है वो करीब करीब क्रिश्चियनिटी के इक्वल होने जा रहा है। अगर देखा जाए तो अभी 7-8% मुस्लिम की पॉपुलेशन स्वीडन में है। अगर ये बढ़कर किसी दिन 50-60% हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? क्या स्वीडन टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आएगा? क्या स्वीडन में दंगे नहीं होंगे? स्वीडन में वायलेंस नहीं होगा? स्वीडन में क्राइम रेट कम हो जाएगा? क्या होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक इसी तरीके का पैटर्न हमने इंडिया के अंदर भी देखा। जैसे जैसे धीरे धीरे करके मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन कश्मीर में बढ़ा तो वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, मार दिया गया या फिर उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक उसी तरीके का पैटर्न हमें केरला के अंदर भी देखने को मिला। ठीक उसी तरीके का पैटर्न हमें वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला। और अब जो म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम्स आ रहे हैं वो इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं, वो भी वायलेंस इंक्रीज कर रहे हैं, दंगों में उनका हाथ होता है। अभी दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए उसमें वो लोग शामिल थे। पिछली बार जब NTCA प्रोटेस्ट हो रहा था उसके बाद जो दंगे हुए थे उसमें भी वो लोग शामिल थे। तो सेम पैटर्न हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अगर हमें अपने देश को सुरक्षित करना है तो जो बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इनको यहाँ से भगाना होगा, वरना वो समय दूर नहीं है जब हर मंथ किसी न किसी स्टेट में दंगे देखने के मिलेंगे। स्टूडेंट के गवर्नमेंट ने अपने गलतियों से नहीं सीखा और इसके लिए वो लोग खामियाजा भी भुगत रहे हैं। स्वीडन में भी जो मुस्लिम्स बाहर से आए थे वो लोग पहले खाना मांगने आते हैं, स्थान रहने के लिए मांगते हैं, उसके बाद फिर नौकरी मांगते हैं, फिर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर दंगे करते हैं। अगर आप इंडिया के हर एक स्टेट के पॉपुलेशन को कंपेयर करके देखो तो जहाँ पे भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगती है वहाँ पे दंगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जीना हराम हो जाता है, जैसे कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला। तो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले दो काम करने चाहिए। सबसे पहला काम ये कि ये जितने भी म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं इन सबको इस कंट्री से बाहर निकाला जाए, और दूसरा ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे कंट्री के अंदर लागू किया जाए।